दोस्तों सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर 2 के जरिए ताबड़तोड़ कमाई कर एक बार फिर इतिहास रचा। वहीं अब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को 54वें इंटरनेशनल ऑफ इंडिया फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। हाल ही में सनी देओल इस फिल्म के महोत्सव के उद्घाटन के समारोह में गोवा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की है। दोस्तों सनी देओल ने यह बताया है कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। सनी ने बताया कि मैंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राहुल रावेल के साथ की थी। उन्होंने मुझे 3 फिल्में ऑफर की थी, कुछ चली और कुछ नहीं चल पाई, लेकिन वो फिल्में आज भी लोगों को याद हैं। मैं अपनी फिल्मों की वजह से आज यहाँ खड़ा हूँ। सनी ने आगे बताया कि गदर के बाद मेरा असली स्ट्रगल शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे इस फिल्म के बाद एक भी स्क्रिप्ट ऑफर नहीं की गई। सनी आगे कहते हैं कि हालांकि मैंने बीच में कुछ फिल्में की हैं, लेकिन उसमें 20 साल का अंतर था, उसके बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हमेशा आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ स्टार नहीं बल्कि एक्टर बनने के लिए आया था। वहीं वहाँ मौजूद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सनी देओल की जर्नी को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में सनी के टैलेंटेड के साथ न्याय नहीं किया गया है, लेकिन ऊपर वाले ने न्याय किया है। यह सुनकर सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए और वह रो पड़े। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों अगर बात करें सनी देओल के वर्क फ्रंट की, तो गदर 2 के पास एक्टर के पास कई बड़ी फिल्में ऑफर हुई हैं। फिलहाल तो मैं गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद अदर फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, और सनी देओल की हर एक फिल्म का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।